हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पी एन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में इसके पहले बड़े लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 8 का पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक इन चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। उसका जो फॉर्मूला है NCX P(x), Q(n-x), यही फॉर्मूला हम फ्रीक्वेंटली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर हर एक प्रॉब्लम में जो प्रोबेबिलिटी हमें पूछा गया है उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे स्मॉल n मतलब वो एक्सपेरिमेंट कितने बार रिपीट हुआ है, स्मॉल p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, स्मॉल q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। और हमें पता है p और q का जो रिलेशन है p + q = 1 या फिर p = 1 - q या फिर q = 1 - p। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला e(x = np), स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x = √(variance of x), वेरियंस ऑफ x का फॉर्मूला वेरियंस ऑफ x = npq। तो ये सभी फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आपको देखिए गिने चुने फॉर्मूले इस चैप्टर में है। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला, दूसरा वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला, तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला और चौथा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो ये चार फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो ये पूरे चैप्टर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, चाहे आपको MHTCET एग्जाम में या फिर स्टेट बोर्ड एग्जाम में या फिर JEE मेंस एडवांस में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस चैप्टर के ऊपर, तो देखिए सिर्फ आपको चार फॉर्मूले के सिवा और कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना पड़ता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये चार फॉर्मूले ठीक तरह से याद कीजिए। इन फॉर्मूलों को हम यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पर भी पढ़ते होंगे उन सभी को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। इस चैनल पे हम आपके MHTCET और स्टेट बोर्ड एग्जाम, इन दोनों एग्जाम के मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे करते हैं। तो मेरे साथ पूरे साल भर आप बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका MHTCET और स्टेट बोर्ड एग्जाम, इन दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है PN सर, इस टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिलेगा। उस चैप्टर पे क्लिक करके, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे देख सकते हो। हमने हर एक मिसलिनियस एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज, थ्योरेटिकल पार्ट, इन सभी के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से इस चैनल पे डिस्कस किया है। ओके, लुक हियर, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ माउंटेन बाइक राइडर ट्रैवलिंग अलोंग सर्टन ट्रैक विल हैव टायर बर्स्ट इज 0.05। ओके, देखिए माउंटेन बाइक राइडर जो है ये ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसके मोटर बाइक का टायर बर्स्ट होने का जो चांस है ये 0.05 है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमॉन्ग 17 राइडर्स। अब यहाँ पे टोटल हमें 17 राइडर्स दिए हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें स्मॉल n, स्मॉल p और स्मॉल q इन तीनों के वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। स्मॉल p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये 0.05 रहेगा। फिर स्मॉल n मतलब 17 राइडर्स, इसे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब हमें किस किस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। एग्जैक्टली 1 हैज अ बर्स्ट टायर, सेकंड एटमोस्ट 3 हैव बर्स्ट टायर्स, ठीक है ये सेकंड है। फिर उसके बाद थर्ड 2 और मोर हैव बर्स्ट टायर्स, 2 या 2 से ज्यादा टायर बर्स्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम देखिए अब सबसे पहले n कंसीडर करते हैं 17, फिर प्रोबेबिलिटी p जो है ये नंबर ऑफ टायर से टायर बर्स्ट रहने का प्रोबेबिलिटी है तो ये हमारे पास 0.05। तो Q का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 0.05 एंड देयरफॉर Q इक्वल्स टू रहेगा 0.95। तो अब देखिए N का वैल्यू है, P का वैल्यू है, Q का वैल्यू है। रैंडम वेरिएबल X हम कंसिडर करते हैं, X इक्वल्स टू नंबर ऑफ बर्स्ट टायर। ओके, बहुत ही सिंपल देखिए इसका सोल्यूशन है, कैलकुलेशंस थोड़े से टीडीएस है। ओके, फिर अब हम लिखेंगे X follows binomial distribution with parameter n equals to 17 and p equals to 0.05। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम PMF। Now probability of x equals to small x, it will be NCX। आप इस NCX को दो तरह से लिख सकते हो, फिर यहाँ पे p raise to x, फिर q raise to n minus x। Now x start from 0, 1, 2 up to n। अब देखिए ये PMF हमें हमारे प्रॉब्लम के लिए तैयार करना है, तो किस प्रकार से तैयार करेंगे? इसमें हम एन पी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एन हमारे पास है 17, तो ये 17 सी एक्स रहेगा। फिर पी का वैल्यू है 0.05 रेस टू एक्स मिलेगा। फिर क्यू का वैल्यू है 0.95। अब यहाँ पे जो एन माइनस एक्स है ये बनेगा 17 माइनस एक्स, क्योंकि एन का वैल्यू कितना है 17 है। ओके, तो हमारा एक्स अब 0, 1, 2 अप टू 17 रहेगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर इसे इस प्रकार से रखते हैं तो भी चलेगा। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। हमने रैंडम वेरिएबल एक्स क्या कंसीडर किया है? नंबर ऑफ बर्स्ट टायर। ओके, तो देखिए फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? एग्जैक्टली वन हैज अ बर्स्ट टायर। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, प्रोबेबिलिटी किसका हमें फाइंड करना है? देखिए ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली वन हैज बर्स्ट टायर। ओके, एग्जैक्टली वन हैज बर्स्ट टायर। ओके, इसका हमें प्रोबेबिलिटी यहां पे फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, एक्जैक्टली 1 कंसिडर करना है। अब ये जो पीएमएफ हमारे सामने है इसमें x का वैल्यू हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट विल बी, ये बनेगा फिर 17c1, ध्यान दीजिए 17c1, फिर यहाँ पे 0.05 ब्रैकेट रेस टू 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ के x का वैल्यू हमें 1 लेना है। फिर यहाँ रहेगा 0.95 ब्रैकेट रेस टू 17 माइनस 1, एग्जैक्टली 1 हैज अ बर्स्ट टायर। ठीक है, अब ये 17c1 मतलब 17, हमेशा ध्यान रखिए nc1 का वैल्यू n रहता है, तो 17c1 का वैल्यू 17 बनेगा इंटू इट विल बी 0.05 इंटू 0.95 रेस टू 17 माइनस 1, मतलब ये रहेगा 0.95 रेस टू 16। ठीक है, अब ये 17 इंटू 0.05 इट विल बी 0.85, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 0.85 मिलेगा इंटू 0.95 ब्रैकेट रेस टू 16। तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन हैज बर्स्ट टायर, इसका प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा 0.85 इंटू 0.95 ब्रैकेट रेस टू 16। ठीक है, यहां तक के पोर्शन का स्क्रीन। सेकंड सब क्वेश्चन में हमें एटमोस्ट 3 हैव बर्स्ट टायर ये फाइंड करना है। ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 हैव बर्स्ट टायर, ज्यादा से ज्यादा 3, इसका मतलब 3 या 3 से कम चलेंगे। अब 3 या 3 से कम मतलब कहां तक? 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा। 3 या 3 से कम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये हर एक का प्रोबेबिलिटी अब हमें फाइंड करना है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हम कैसे फाइंड करेंगे? लुक हियर, हमारे पास पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स का ये पीएमएफ है। तो यहाँ पे एक्स 0 बनेगा, इट विल बी 17c0 0.05 रेस टू 0 0.95 रेस टू 17। देखिए 17c0 0.05 रेस टू 0 0.95 रेस टू 17। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 फाइंड करने के लिए एक्स का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। 17c1 0.05 रेस टू 1 0.95 रेस टू 16, 17 माइनस 1 मतलब 16, 17c1 0.05 रेस टू 1 0.95 रेस टू 16। फिर इसके बाद देखिए अब x का वैल्यू हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, 17c2 0.05 ब्रैकेट स्क्वायर 0.95 रेस टू 17 माइनस 2 मतलब 15। देखिए 17c2 0.05 ब्रैकेट स्क्वायर 0.95 रेस टू 15 प्लस, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूला में हम x इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 17c3 0.05 रेस टू 3 0.95 रेस टू 14। देखिए 17c3 0.05 रेस टू 3 0.95 रेस 14. अब देखिए हर एक टर्म में 0.95 दिख रहा है, यहाँ पे 0.95 है, 0.95 है, 0.95 है, 0.95 है, तो सबसे कम पावर जो है 0.95 वाला है, तो हमने 0.95 को बाहर लिया है। अब देखिए 17C0 का वैल्यू 1 है, 0.05 का वैल्यू 1 मिलेगा, किसी भी पावर का किसी भी नंबर का इंडेक्स अगर 0 लेते तो उसका आंसर 1 मिलेगा। 0.95 से हमने 0.95 बाहर लिया तो यहाँ पे 0.95 क्यूब बचेगा, ओके। फिर 17C1 का वैल्यू 17, NC1 का वैल्यू n रहता है, तो 17C1 का वैल्यू 17। अब ये 0.05 इंटू 0.95 से 0.95 हमने बाहर लिया तो इट विल बी 0.95 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए सॉरी 0.95 ब्रैकेट स्क्वायर बचेगा क्योंकि 16 हमने बाहर लिया तो 0.95 ब्रैकेट का स्क्वायर बचेगा क्योंकि 0.95 हमने बाहर लिया है। फिर 17C2 का वैल्यू 136 आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला NCR, तो ये रहेगा 136। अब ये 0.05 ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है ये रहेगा 0.0025, 0.05 का स्क्वायर 0.0025। फिर 0.95 से 0.95 बाहर लिया तो 0.95 बचेगा, सिर्फ पावर उसका वन मतलब सिंपली 0.9 बचेगा। फिर 17C3 का वैल्यू 680, एनसीआर का फॉर्मूला यूज करके हमने इसे कैलकुलेट किया है। 0.05 ब्रैकेट क्यूब इट विल बी 0.000125 क्योंकि 5 का क्यूब 125 और देखिए पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेसेस है, मतलब पॉइंट के बाद दो प्लेसेस है, तो उसका अगर क्यूब लेते हैं तो 2 + 2 + 2 मतलब 6 प्लेसेस हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 0.05 इसका जो क्यूब रहेगा ये रहेगा 0.00125 और 0.95 तो हमने बाहर लिया है तो वहां पे 0.95 अब रेस टू 14 नहीं रहेगा, वहां उसकी जगह 1 रहेगा क्योंकि 0.95 रेस टू 14 को हमने बाहर लिया है, ठीक है। अब ये 0.95 रेस टू 14 बाहर एज इट इज है, ये 0.95 का क्यूब 0.857375, ओके, ये कैलकुलेट करना है। फिर आपको 17 इंटू 0.05 इट विल बी 0.085, इस प्रकार से बनेगा 0.85 बनेगा, ओके। फिर 0.85 से हम 0.95 ब्रैकेट स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 0.767125 इसका प्रोडक्ट। फिर उसके बाद 136 इंटू 0.0025 इंटू 0.95 का प्रोडक्ट मिलेगा 0.323 और 680 से 0.000125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 0.085 मिलेगा, ठीक है। अब इन पूरे टर्म्स का अगर हम सम लेते हैं इट विल बी 2.033 रहेगा। नाउ 2.033 इंटू 0.95 रेस टू 14 ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 3, इसका मतलब एटमोस्ट 3 हैव बर्स्ट टायर, एटमोस्ट 3 ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा 3 इसका मतलब 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, 3 या 3 से कम चलेंगे, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 यहाँ पे कंसिडर किया है, तो ये रहेगा इसका आंसर 2.033 इंटू 0.95 ब्रैकेट रेस टू 14। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड में हमें देखिए किसका बॉडी फाइंड करना है, 2 और मोर हैव बर्स्ट टायर, ओके। यहाँ पे सब क्वेश्चन थर्ड में हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर, ध्यान दीजिए 2 और मोर हैव बर्स्ट टायर, 2 या 2 से ज्यादा हैव बर्स्ट टायर, ओके, इसका हमें प्रोबेबिलिटी यहां पे फाइंड करना है। 2 या 2 से ज्यादा इसका मतलब क्या, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमने रैंडम वेरिएबल x नंबर ऑफ बर्स्ट टायर के लिए लिया है। 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा इसका मतलब 2 चलेगा या फिर 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मतलब कहां तक, 17 तक, इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5, ऐसा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 17 तक इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम लेना पड़ेगा। देखिए इतने सारे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना फिर उसका सम लेना ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, कौन सा, यहां पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं 1 माइनस ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का कॉम्प्लीमेंट x लेस देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसका अपोजिट लेस देन 2, तो ये रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। देखिए ये अब हमारे लिए शॉर्टकट है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ का x 2 से छोटा 2 से लेस है, लेस देन 2 है, लेस देन 2 मतलब क्या क्या रहेगा, 1 और 0 रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, वाई बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 हमें कंसिडर करना है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. तो यहां पे आपको एक्स का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है. इट विल बी 17c0. ध्यान दीजिए 17c0. फिर यहां मिलेगा हमें 0.05 रेज टू 0. ओके, फिर 0.95 ध्यान दीजिए 0.95 रेज टू हमें 17 मिलेगा क्योंकि ये 17 माइनस 0 इट विल बी 17 प्लस अब क्या लेना है देखिए अब लेना है 1 तो 17c1 इट विल बी 17c1 0.05 रेज टू 1 फिर 0.95 रेज टू 17 से 1 माइनस करना है मतलब ये बनेगा 16. देखिए यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज 1 माइनस अब ये 17c0 का वैल्यू 1 रहेगा. nc0 इज 1 तो 17c0 1 1 इंटू 0.05 रेज टू 0 इट इज ऑल्सो 1 इंटू 0.95 रेज टू हमें मिलेगा 17. ओके, फिर इसके बाद 17c1 का वैल्यू 17 इंटू ये 0.05 इंटू यहाँ पे रहेगा 0.95 रेज टू 16. देखिए यहाँ पे 0.95 रेज टू 17 है, यहाँ पे 0.95 रेज टू 16 है तो यहाँ से हम 0.95 रेज टू 16 को बाहर ले सकते हैं. 0.95 रेज टू 16 को अगर हमने बाहर लिया तो यहां पे सिंपली रहेगा 0.95 क्योंकि 0.95 रेज टू 16 को हमने बाहर लिया है. अब 17 इंटू 0.05 लेते हैं तो इट विल बी 0.85. 17 से 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.85 बनेगा. 0.95 रेज टू 16 ऑलरेडी हमने बाहर लिया है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 1 माइनस इट विल बी 0.95 रेज टू 16 इंटू देखिए अब क्या मिलेगा. इस 0.95 में 0.85 को ऐड करना है. 5 प्लस 5 10 इट विल बी 0 हमारे पास 1 रहेगा. 9 प्लस 10 9 प्लस 8 इट विल बी 17 17 प्लस 1 इट विल बी 18. ओके, तो ये रहेगा हमारे पास 1.80 तो ये मिलेगा हमें 1.80. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 का जो आंसर है ये हमारे पास रहेगा 1 माइनस 0.95 रेज टू 16 इंटू 1.80. चाहे तो आप इसे 1.80 को पहले भी लिख सकते हैं 1.80 मतलब 1.8 इंटू 0.95 ब्रैकेट रेज टू 16 इस प्रकार से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं. 1.80 मतलब 1.8 1 माइनस 1.8 इंटू 0.95 ब्रैकेट रेज टू 16 ये रहेगा किसका प्रोबेबिलिटी 2 और मोर हैव बर्स्ट टायर्स. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. 6 इज Probability that a lamp in classroom will burnt out will be 0.3. देखिए ये burnt out का मीनिंग समझ लीजिए. ओके, हमें किसका प्रायोरिटी दिया है. प्रायोरिटी दैट अ लैम्प इन क्लासरूम विल burnt आउट विल बी 0.3. देखिए लैम्प मतलब लाइट. ओके, लाइट का हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाता है, बर्न होता है. जल जाना उसमें से लाइट उसमें से प्रकाश मिलना इसका मतलब बर्न. लेकिन बर्न आउट का मतलब प्रकाश नहीं मिलना. मतलब हम कहते हैं ना फ्यूज हो गया, लाइट चला गया, बल्ब चला गया मतलब उसमें से लाइट नहीं मिल रहा है तो लैंप उसे हम कहेंगे लैंप बर्न आउट. जब जलता नहीं है दिया जब जलता नहीं है उसे कहा जाता है बर्न आउट. बर्निंग मतलब जलना, बर्न आउट मतलब बूझना. वो किसी काम का नहीं रहेगा, उसमें से हमें प्रकाश नहीं मिलेगा तो लाइट में से लैंप में से प्रकाश ना मिलने का प्रोबेबिलिटी 0.3 है. ओके, ये हमें यहां पे दिया है. लाइट लैंप बर्न आउट मतलब उसमें से हमें प्रकाश नहीं मिलेगा. नाउ 6 लैंप्स आर फिटेड इन द क्लासरूम. अब क्लासरूम में टोटल लैंप्स कितने हैं 6 है. इफ इट इज नोन दैट द क्लासरूम इज अनयूजेबल इफ द नंबर ऑफ लैंप्स बर्निंग इन इट इज लेस देन 4 फाइंड the probability that classroom cannot use at random occasion. Now look here. अब देखिए यहां पे उस क्लासरूम में टोटल 6 लैम्प्स है. अगर उसमें से 4 से कम लैम्प देखिए बर्निंग इन ध्यान दीजिए क्या दिया है. इफ इट इज नोन दैट द क्लासरूम इज अनयूजेबल इफ द नंबर ऑफ लैम्प्स बर्निंग इन इट इज लेस देन 4. अगर वो जो पूरे देखिए क्लासरूम में टोटल 6 लैम्प्स है उसमें से अगर 4 से कम लैंप जलते हैं मतलब उसमें से हमें प्रकाश मिलता है. बर्निंग मतलब जलना प्रकाश मिलना. 4 से कम लैम्प से अगर हमें प्रकाश मिलता है, मतलब कितने लैम्प से कुछ भी चालू नहीं है, या फिर एक लैम्प से प्रकाश मिल रहा है, या फिर दो लैम्प से प्रकाश मिल रहा है, या फिर 3 लैम्प से प्रकाश मिल रहा है, तो हम उस रूम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस रूम को यूज करने के लिए 4 या 4 से ज्यादा लाइट से लैम्प से हमें प्रकाश मिलना जरूरी है। मतलब वो रूम हम कब यूज नहीं कर सकेंगे, जब 4 से कम लैम्प जलेंगे। 3 लैम्प जलते हैं, हम रूम यूज नहीं कर सकते। 2 लैम्प जल रहे हैं, हम रूम यूज नहीं कर सकते। 1 लैम्प जल रहा है, हम रूम यूज नहीं कर सकते। अगर 0 लैम्प जल रहा है तो भी हम रूम यूज नहीं कर सकते। मतलब रूम यूज करने के लिए 4 या 4 से ज्यादा लैंप जलना, 4 या 4 से ज्यादा लैंप से प्रकाश मिलना जरूरी है। और हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्लासरूम कैन नॉट यूज। मतलब क्लासरूम हम यूज नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते इसका मतलब 4 से कम लैंप जल रहे, बर्न हो रहे, 4 से कम लैंप से हमें प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम n इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे 6, क्योंकि टोटल लैम्प्स हमारे पास कितने हैं, 6 है, तो n का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 6। नाउ प्रोबेबिलिटी, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसका लेना है, प्रोबेबिलिटी, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्प बर्निंग। ओके, लैम्प बर्न हो रहा उसका हम प्रोबेबिलिटी p कंसिडर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी q क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी q क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्प बर्न आउट। ओके, इसका अपोजिट रहता है q, तो इसका मतलब यहां पे हमें q दिया है 0.3। अगर q 0.3 है तो p इक्वल्स टू 1 माइनस q, इसका मतलब 1 माइनस 0.3, इसका मतलब 0.7 रहेगा। देखिए 0.3 को चाहे तो आप 3/10 लिख सकते हो, 0.7 को चाहे तो आप 7/10 भी लिख सकते हो। नाउ दिस यक्स, अब यक्स हम क्या कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ लैम्प्स बर्निंग, मतलब प्रकाश मिल रहा है, उसमें से हमें प्रकाश मिल रहा है, दिया जल रहा है। ठीक है, x is number of lamps burning. Now this x follows binomial distribution with parameter n equals to कितना है 6 and p equals to क्या है 7/10. ओके, p का वैल्यू 7/10 है। अब हम इस प्रॉब्लम के लिए pmf लिखते हैं, क्या रहेगा pmf, द pmf ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x is, ध्यान दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, इट इज एन सी एक्स, फिर यहाँ पे रहेगा पी रेज टू एक्स, फिर क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, वेर एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 up to n। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। अब देखिए n का वैल्यू हमारे पास 6 है, तो इट विल बी 6 एक्स, फिर p का वैल्यू है 7/10, 7/10 रेज टू एक्स, क्यू का वैल्यू है 3, 3/10 रेज टू 6 माइनस एक्स। वाई, बिकॉज n का वैल्यू 6 है। अब यहाँ का जो हमारा x है ये 0, 1, 2 up to 6 हमें मिलेगा। ठीक है, अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, क्लासरूम कैन नॉट बी यूज्ड। ध्यान दीजिए, क्लासरूम कैन नॉट बी यूज्ड। अब ये क्लासरूम कब यूज नहीं होगा, जब क्लासरूम में 4 से कम लैंप जलेंगे। देखिए, इफ इट इज नोन दैट द क्लासरूम इज अनयूजेबल इफ द नंबर ऑफ लैम्प्स बर्निंग इन इट इज लेस देन 4। मतलब ये प्रोबेबिलिटी हमें कब फाइंड करना है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। देखिए, ध्यान दीजिए, इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। किस प्रकार से, ये 7 रेज टू x इंटू 3 रेज टू 6 माइनस एक्स अपॉन 10 रेज टू x, ऐसा भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, चाहे तो एक बार मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए बहुत इजी रहेगा कैलकुलेशन लेने के लिए, और कैलकुलेशन का पार्ट हमारा बहुत इजी बनेगा। देखिए, हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x, इट इज एन सी एक्स, एन मतलब कितना है 6, तो ये बनेगा हमारे पास 6 सी एक्स। ध्यान दीजिए, फिर 7 रेज टू x, ये 7 रेज टू x होगा, इंटू 3 रेज टू 6 माइनस एक्स बनेगा, अपॉन देखिए ये 7 raised to x, ये 3 raised to 6 माइनस एक्स अपॉन 10 raised to सिंपली हमें 6 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 10 raised to x और यहाँ पे 10 raised to 6 माइनस एक्स मिलेगा। 10 raised to x into 10 raised to 6 minus x, 10 raised to x plus 6 minus x, x will be cancelled, तो ये 10 raised to 6 मिलेगा। now x is 1, 2 up to 6 रहेगा। तो ये PMF अब हमारे लिए बहुत आसान रहेगा कैलकुलेशन लेने के लिए। now probability of किसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्लासरूम कैन नॉट बी, ओके, क्लासरूम कैन नॉट बी यूज्ड, क्लासरूम ना यूज होने का प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। ये कब पॉसिबल होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, मतलब नंबर ऑफ लैम्प्स कितने बर्न होंगे, 4 से कम। इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 कंसिडर करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 रहेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 रहेगा, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 रहेगा। ध्यान दीजिए, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा 6c0, ध्यान दीजिए 6c0, फिर 7 raised to 0 इंटू 3 raised to 6 ऐसा होगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। 7 raised to 0 इंटू 3 raised to 6 अपॉन हमारे पास 10 raised to 6 रहेगा, प्लस अब यहाँ पे मिलेगा हमें 6c1 इंटू 7 raised to 1 इंटू 3 raised to, अब 1 से पावर कम होगा 3 raised to 5 अपॉन हमारे पास रहेगा 10 raised to 6, प्लस अब हमें लेना है 6c2, ध्यान दीजिए 6c2 7 square इंटू 3 raised to 4 अपॉन 10 raised to 6 मिलेगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 फाइंड करने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट विल बी 6c3, फिर यहाँ पे 7 raised to 3 मिलेगा इंटू 3 raised to 3 रहेगा अपॉन 10 raised to 6 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हर जगह पे हमें 10 raised to 6 दिख रहा है, तो हम यहाँ से अगर 3³ और 10 raised to 6 बाहर लेते हैं तो भी चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? देखिए यहाँ पे 3 raised to 3 है, यहाँ पे भी 3 raised to 5 में 3 raised to 3 है, 3 raised to 4 में 3 raised to 3 है, 3 raised to 3 तो यहाँ पे भी है, कम से कम पावर 3 raised to 3 है, तो हम 3 raised to 3 को बाहर लेते हैं। हर एक जगह पे डिनोमिनेटर में 10 raised to 6 है, उसको भी हमने बाहर लिया। अब ये 6c0 का वैल्यू हमें पता है 1, 7 raised to 0 का वैल्यू भी 1 मिलेगा, इसका मतलब पहला टर्म हमारे पास रहेगा 1। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन साथ में 3³ भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे बचेगा सिंपली 3³ क्योंकि 3 raised to 3 हमने बाहर लिया, तो 3 raised to 6 से 3 raised to 3 बाहर चलेगा। अब ये 6c1 ये रहेगा हमारे पास 6 इंटू 7 ये भी रहेगा इंटू 3 raised to 5 से 3³ हमने बाहर लिया तो 3² रहेगा, 6 इंटू 7 इंटू 3² जगह मेरे पास कम है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर ये यहाँ पे हमारे पास है 6c2, ठीक है ना। अब ये 6c2 क्या रहेगा, देखिए ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। 6c2 इसका मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू अगेन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल किया तो न्यूमरेटर में 6 इंटू 5 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। 4 फैक्टोरियल हम 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर रहे हैं, 6 into 5 इट विल बी 30, 30 अपॉन 2 इट इज 15, तो 6c2 का वैल्यू हमारे पास रहेगा 15, 15 इंटू 7² रहेगा, 7² मतलब 49 इंटू 3 raised to 4 से हमने 3³ बाहर लिया तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास 3 रहेगा, ओके। प्लस अब देखिए ये लास्ट वाला टर्म, अब 6c3 कैलकुलेट करेंगे। 6c3 क्या रहेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर रहा है। 3 फैक्टोरियल अगर 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल करेंगे तो 6 into 4 into 5 रहेगा, मतलब एक 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हुआ है। अब बचता है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 रहेगा, तो ये 3 to 6 ये 6 के साथ कैंसिल होगा, 4 into 5 इट विल बी 20, तो ये हमारे पास रहेगा 20। ध्यान दीजिए 20 इंटू कितना है 7³ 7³ मतलब ये मिलेगा हमें 343, ओके, ठीक है ना। 7 से 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा 63 3 हमारे पास 6 रहेगा, 7 4 जा 28 प्लस 6 इट विल बी 34, तो देखिए 7 का क्यूब ये यहाँ पे 343 रहेगा, ऑलरेडी 3³ हमने बाहर लिया है। ये पूरा अब हमें कैलकुलेशन लेना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 4 ये 3³ मतलब 27 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे 3³ 27 मिलेगा, प्लस 6 into 7 या फिर 3² 9 इंटू 7 63 इंटू 6 अगर आप लेते हो इट विल बी 378 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 15 × 3 इट विल बी 45। 45 से अगर हम 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2205। कैलकुलेशन आप देख सकते हो। अब यहाँ पे 343 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके फिर वहाँ पे जीरो जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, इट विल बी 686 और यहाँ रहेगा हमारे पास जीरो, 6860। ये रहेगा पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये पूरे ये अपॉन 10⁶ है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन पूरे इसका अगर आप सम लेते हो, देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27 × ये 27 प्लस 378 प्लस 2205 प्लस 6860, इसका आपको सम मिलेगा 9470 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 10⁶। 27 से अगर आप 9470 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए किससे, 27 से 9470 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 255690 इंटू ये 10⁶। ऊपर आता है तो 10⁻⁻⁶ मिलेगा आपको, या फिर आप डिनोमिनेटर में भी 10⁶ लिख सकते हो, ओके। तो ये रहेगा हमारे पास, देखिए 255690 मतलब 2,55,690। ये रहेगा यहाँ का आंसर, किसका, 27 × 9470 का कैलकुलेशन। चाहे तो आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 10⁶ है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.255690, ओके, 0.255690। इसका मतलब ये आंसर, अगर हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है तो 0 को डिस्कार्ड करते हैं तो 9 बचेगा, 9 को छोड़ देते तो यहाँ पे 7 रहेगा, तो आंसर मिलेगा हमें 0.2557। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे आप पी का वैल्यू 0.3 ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाया है कि यहाँ पे पी का वैल्यू 0.7 क्यों लेना है, क्यू का वैल्यू 0.3 क्यों लेना है, क्योंकि देखिए क्या शब्द प्रयोग क्या किया गया है, बर्न्ड आउट मतलब वहां से हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, उस लैम्प से हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, इसलिए हमने क्यू कंसीडर किया है 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्प बर्न आउट, इसका प्रॉपर्टी हमने क्यू 0.3 कंसीडर किया है, और हमारा इंटरेस्ट काय में है, 4 से कम लैम्प जलने चाहिए, मतलब 4 से कम लैम्प से हमें प्रकाश मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमने जिस प्रकार से रैंडम वेरिएबल एक्स कंसीडर किया है उस प्रकार से उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास 7/10 रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर 3/10 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 7/10 है, तो ये आंसर रहेगा 0.2557। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। कंफ्यूज मत होइए, किसी और YouTube चैनल पे आप इसका आंसर देखोगे कि टेक्स्ट बुक में भी इसका आंसर आपको करेक्ट नहीं दिया है, बहुत सारे बुक में भी सॉल्व करके इसका आंसर आपको करेक्ट नहीं दिया है। मैंने समझा है कि पी हमने यहाँ पे 0.7 ही क्यों लिया है, क्यू हमने 0.3 क्यों लिया है। देखिए इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया है। आशा करता हूं कि आपके दिमाग में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 7 इज अ लॉट ऑफ 100 आइटम्स contains 10 defective items. 5 items are selected at random from the lot and sent to the retail store. What is the probability that the store will receive at most 1 defective item? अब देखिए यहाँ पे total items है 100, उसमें defective items है 10, तो defective item का अगर हम probability find करते हैं, देखिए P मतलब probability of defective item। अगर सपोज हम डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करेंगे तो टोटल आइटम्स हमारे पास है 100, उसमें डिफेक्टिव आइटम्स है 10, तो डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगा, ये 0 0 कैंसल, 1/10 मतलब 0.1। फिर Q जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर है 1 - P मतलब 1 - 0.1 मतलब ये मिलेगा 0.9, ओके। यहाँ पे देखिए आप कितने आइटम सिलेक्ट किए गए, 5 आइटम्स, तो n = हम कंसीडर करेंगे 5। हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, देखिए वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टोर विल रिसीव एटमोस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम, तो x हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी उस प्रकार का फाइंड करना है, ठीक है। नाउ यक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर यन इक्वल्स टू 5 एंड पी इक्वल्स टू 0.1। अब हम लिखते हैं पी एम एफ। ध्यान दीजिए, नाउ द पी एम एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल, ओके, रैंडम वेरिएबल कैपिटल यक्स इज, इसका पी एम एफ हमारे पास रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यक्स इक्वल्स टू स्मॉल यक्स, फिर ये एन सी यक्स, पी रेज टू यक्स, क्यू रेज टू एन माइनस यक्स, वेर एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू एन। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ यक्स इक्वल्स टू स्मॉल यक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स। यन हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 5, तो इट विल बी 5 सी एक्स, फिर पी का वैल्यू 0.1 है, 0.1 रेज टू एक्स, क्यू का वैल्यू है 0.9, इट विल बी 5 माइनस एक्स, वेयर एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू 5, क्योंकि एन का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये रहेगा पर्टिकुलर हमारा पी एम एफ। अब देखिए हमें किसका डिफाइन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ The store will receive at most one defective item. इसका हमें probability find करना है। The store will receive, ध्यान दीजिए, at most one defective item. Okay, at most one defective item. ये store ज़्यादा से ज़्यादा one defective item receive करेगा। इसका मतलब हमें probability of at most one defective item, at most one, ज़्यादा से ज़्यादा एक, इसका मतलब एक या एक से कम चलेगा, एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एटमोस्ट वन मतलब एक चलेगा, वन चलेगा, या फिर वन से छोटा चलेगा, वन से कम चलेगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 हमें फाइंड करना है। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब 1 या 1 से कम मतलब 0 या 1 चलेगा। Now probability of x less than or equals to 1, this is equals to probability of x equals to 0, it will be 5 C 0, देखिए क्या रहेगा 5 C 0, फिर 0.1 रेज टू 0, ठीक है ना, x का वैल्यू हमें क्या लेना है 0 लेना है, फिर यहाँ पे 0.9 रेज टू 5 मिलेगा, 0.9 रेज टू 5 प्लस, अब probability of x equals to 1 लेना है तो it will be 5 C 1, ये रहेगा 5 C 1, फिर 0.1 रेज टू 1 और 0.9 रेज टू यहाँ पे बनेगा 4। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1 इज 5 C 0 का वैल्यू 1 है, 0.1 रेज टू 0 का वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे हमारे पास रहेगा 0.9 रेज टू 5, ओके, प्लस 5 C 1 का वैल्यू 5 मिलेगा इंटू 0.1 इंटू 0.9 रेज टू 4। अब देखिए दोनों भी टर्म में 0.9 रेज टू 4 ये तो कॉमन हमें दिख रहा है, तो 0.9 रेज टू 4 को अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0.9 प्लस ये 5 इंटू 0.5, इट विल बी 0.5, ठीक है, और हमने बाहर क्या लिया है 0.9 ब्रैकेट रेज टू 4, इस टर्म को हमने बाहर लिया है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 इज 0.9 प्लस 0.5, इट विल बी 1.4, ये रहेगा 1.4, ध्यान दीजिए, इंटू 0.9 रेज टू 4, 0.9 रेज टू 4, तो ये रहेगा यहाँ का हमारा फाइनल आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टोर विल रिसीव एटमोस्ट वन डिफेक्टिव एटम, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव एटम स्टोर ने रिसीव करने का जो प्रोबेबिलिटी है ये 1.4 इंटू 0.9 रेज टू 4, इस प्रकार से ये यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इट इज अ लार्ज चेन रिटेलर परचेसेस सर्टन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, द मैन्युफैक्चरर इंडिकेट्स दैट द डिफेक्टिव रेट ऑफ डिवाइस इज 3%, the inspector of the retailer picks 20 items from a shipment, what is the probability that store will receive at most one defective item? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है हमें, a large chain retailer purchases certain kind of electronic device from a manufacturer, okay, एक chain retailer जो है ये क्या कर रहा है manufacturer से electronic device purchase कर रहा है, the manufacturer indicates that the defective rate of device is 3%, वो मैन्युफैक्चरर क्या इंडिकेट कर रहा है डिफेक्टिव रेट जो है ये है 3%, मतलब प्रोबेबिलिटी हमें 3% दिया गया है डिफेक्टिव रेट, ठीक है ना, 3% मतलब 3/100 और 3/100 मतलब 0.03 मिलेगा। फिर Q हम फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 0.03, इसका मतलब ये 0.97 मिलेगा। अब यन, यहाँ पे यन हमें कितना कंसिडर करना है 20, क्योंकि कितने आइटम्स पिक कर रहा है। द इंस्पेक्टर ऑफ द रिटेलर पिक्स 20 आइटम्स फ्रॉम अ शिपमेंट, तो यन इक्वल्स टू हमें 20 लेना है। अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टोर विल रिसीव एट मोस्ट वन डिफेक्टिव आइटम, तो हम यक्स कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, क्योंकि इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, नाउ दिस यक्स फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एन इक्वल्स टू 20 एंड पी इक्वल्स टू 0.03 रहेगा। अब हम पीएमएफ लिखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। जनरल पीएमएफ हमारे पास क्या रहेगा, द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, इट इज एन सी एक्स पी रेज टू एक्स क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, वेयर एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 up to n रहेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स इक्वल्स टू व्हाट इज एन, नाउ एन इज 20 सी एक्स, P का वैल्यू कितना है 0.03 ब्रैकेट रेस टू एक्स, फिर हमारे पास Q है, Q इज 0.97 रेस टू यानी 20, तो ये 20 माइनस एक्स बनेगा। ओके, एंड एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 up to ये रहेगा 20, क्योंकि x का वैल्यू हमने यहाँ पे 20 कंसिडर किया है। नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। What is the probability that store will receive, probability of किसका store will receive, ध्यान दीजिए store will receive, ठीक है, at most one defective item, ज़्यादा से ज़्यादा एक defective item receive करने का probability हमें find करना है। इसका मतलब probability of x less than or equal to 1, एक से ज़्यादा नहीं, डिफेक्टिव एटम ज्यादा से ज्यादा 1, इसका मतलब 1 या 1 से कम चलेगा, 1 से ज्यादा नहीं। ओके, इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 फाइंड करने के लिए अब ये फॉर्मूला, इट विल बी 20C0, ध्यान दीजिए 20C0 फिर इनटू 0.03 ब्रैकेट रेस टू 0, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करना है, फिर 0.97 ब्रैकेट रेस टू 20 बनेगा। ओके, प्लस अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 फाइंड करने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट विल बी 20C1 फिर 0.03 रेस टू 1 और फिर 0.97 रेस टू हमारे पास रहेगा 19। ओके, दोनों भी टर्म में 0.97 रेस टू 19 ये कॉमन दिख रहा है, दोनों भी टर्म में, इसमें भी है इसमें भी है, तो 0.97 रेस टू 19 को हम बाहर लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, 20C0 का वैल्यू 1 रहेगा, इंटू ये 0.03 रहेगा, इंटू हमारे पास रहेगा 0.97। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि 0.03 रेस टू 0 है तो ये भी 1 ही होगा, ये 1 इंटू 0.97 मिलेगा, ठीक है ना। ये 20C0 का वैल्यू 1, 0.03 रेस टू 0 मतलब 1, फिर 0.97 रेस टू 20 से 0.97 रेस टू 19 बाहर लिया है तो 0.97 बचेगा। 20C1 मतलब यहाँ पे रहेगा 20 इंटू ये 0.03 रहेगा और 0.97 रेस टू 19 को तो हमने बाहर लिया है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1, it will be 0.97 raised to 19 into inside the bracket, अब ये रहेगा 0.97 प्लस 20 से 0.03 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0.6 रहेगा। अब देखिए 0.97 में ध्यान दीजिए, 0.97 में 0.6 हमें ऐड करना है, 0.6 हमें ऐड करना है। नाउ इट विल बी 7 9 प्लस 6 15 फिर यहाँ पे 1 बनेगा, तो ये रहेगा हमारे पास 1.57। ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर हमने 20 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे हमें 0.6 मिलेगा, तो इसका मतलब देखिए अब हमारे पास आंसर क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 1 जस्ट हमने फाइंड किया था, ये मिला था हमें 1.57 इंटू 0.97 रेस टू 19, ये रहेगा यहाँ का हमारा फाइनल आंसर। ओके, जो रिक्वायर्ड हमें प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इन चार क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हर एक कंसेप्ट को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, मैं आपके हर एक चैप्टर के, हर एक एक्सरसाइज के, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहा हूँ। मिसलिनियस एक्सरसाइज की भी हम हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप उस प्लेलिस्ट पे अगर क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, MHTCET और स्टेट बोर्ड इन दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूं आपके लिए, तो प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए। इन वीडियोस को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्यूशंस हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है PN सर, इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है PN सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टा का अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में एफर्ट्स लगा रहा हूँ। ये वीडियोज़ देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं है, पूरा मटेरियल हम यहाँ पे आपको एज अ फ्री बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी भी आपकी तरफ से अपेक्षा रहेगी, इन वीडियोस को देखे बाद अवश्य आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उन टेस्ट को भी आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके फेस कीजिए, क्योंकि ये टेस्ट आपको MHTCET और HSC स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।